भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कंपनी इसरो, जिसका दबदबा पूरी दुनिया में है, सीमित संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मशहूर है और अब एक बार फिर इसरो इतिहास रचने को तैयार हो चुकी है। आपको बता दें, इसरो ने इस बार 4 देशों के साथ मिलकर 6 समझौते किए हैं, जिसके अंदर इसरो विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV रॉकेट के जरिए अब लॉन्च करेगा। भारत के लिए फायदे का सौदा। भारत के लिए ये सौदा फायदे का सौदा है। 4 देशों से हुआ ये समझौता 1140 करोड़ से ज्यादा है। जानकारी के अनुसार इसरो की नई व्यवसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सारे समझौते किए हैं, जिसके तहत 2021 से 23 तक सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें, इसरो के खाते में कई कामयाबी आ चुकी है। पूरी दुनिया में इसरो को सबसे सस्ते लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है और यही वजह भी है कि 1999 से लेकर अब तक 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स अब तक इसरो ने लॉन्च किए हैं। 4 देशों से हुआ 1140 करोड़ का समझौता। वहीं पिछले 3 सालों में इसरो की काफी अच्छी इनकम रही है। 2019 से लेकर 2021 तक 10 मिलियन यूरो यानी 86 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई इसरो ने की है। जानकारी के अनुसार इसरो ने जितने भी विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, उसमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक शोध और तकनीक वर्षों के लिए थी। इसरो के संपर्क में दुनिया भर के देश हैं, जिनकी कोशिश होती है कि वो भी इसरो की तरह सस्ते सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च कर सके, लेकिन उनके पास इसरो के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और ये भारत के लिए अच्छी बात है।